वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे जय श्री कृष्णा महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम तो यही चाहते हैं और हमारा सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है वीडियो पे, शबनम वाली वीडियो पे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। आप सब बहुत ज़्यादा परेशान थे जानने के लिए कि शबनम की शादी जो है लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। आज मैं आप सबको इसी वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगी और वो भी प्रूफ के साथ। दोस्तों आज जो है, आज बृहस्पतिवार है और अभी बज रहे हैं 10:30। आज बृहस्पतिवार है तो दोस्तों आज हम व्रत हैं। हर बृहस्पतिवार को मतलब व्रत रहते हैं। आज 3-4 साल हो गए हमें व्रत रहते हुए और भगवान जी का ही आशीर्वाद है कि आप लोग का प्यार मिल रहा है, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। और अभी मेरे चैनल पे 220 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ दोस्तों, और आगे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो पूरा हो जाए, ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पर, बहुत बहुत कुछ सहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं लोगों का। मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। अभी 10:30 बज रहे हैं, बाबू को स्कूल भेजे हैं, बाबू की जो मौसी है वो लेके आएगी, क्योंकि उसका भी टाइम भी वही है, 7:30 बजे जाती है, 7:30 बजे बाबू का भी स्कूल है और 11:30 बजे उसकी भी छुट्टी होती है। बाबू का उसका स्कूल, बाबू का स्कूल एकदम मतलब थोड़े ही दूर पे है, तो अब मेरा जाना आना जो है वो कम हो गया है। वो वही लेके चली भी जाती है, लेके आ भी जाती है। तो चलिए दोस्तों मेन टॉपिक की बात करते हैं। शबनम की जो शादी है ना, आज से 3-4 साल पहले की हो चुकी है। 2021 में ही शबनम की शादी हो चुकी थी दोस्तों। अभी तक जो शबनम की शादी का जो सच था नहीं बाहर आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आ रही है। शबनम की शादी 3-4 साल हो गई 2021 में, 21, 22, 23, 24, ये चौथा साल है। लेकिन शबनम की जब शादी हुई थी तो शबनम बहुत छोटी थी, क्योंकि अभी भी वो छोटी है, लेकिन उसका एज है दोस्तों। लेकिन जब शादी हुई थी तब थोड़ी सी छोटी थी, उसकी शादी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज इसलिए हुई है क्योंकि आप लोगों को तो पता है रजनी भाभी के जो फैमिली में मम्मी पापा वो है ही नहीं, और बिना माँ बाप की जो ज़िंदगी होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। रजनी भाभी भी लव मैरिज की थी तो उनके भाई लोग उनका सपोर्ट नहीं करते थे, और उनकी भी शादी जल्दी से कर दिए लोग कि इसकी भी शादी हो जाए, कहीं ये भी पैसा ना करे, इसलिए उनको भी अरेंज मैरिज उनकी शादी कर दिए थे सब। लेकिन उसके ससुराल में बहुत ज़्यादा मतलब वो ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा उसको मारते पीटते थे, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। इसकी वजह से रजनी भाभी उसको अपने घर रखी थी, और उसको अपने उनकी बहन है उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, उनकी हर एक ख्वाहिशे हर एक चीज़ें पूरी करती थी। लेकिन आखिर कब तक इंसान रखेगा, क्योंकि वो कोई भी हो, माँ हो या बहन हो या भाभी हो, कोई किसी लड़की को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है, और वो भी शादीशुदा लड़की को। तो इस वजह से रजनी भाभी को उन्हें विदा करना पड़ा, क्योंकि उनके जो ससुराल वाले हैं अब वो किस मतलब मान गए हैं, और उन लोगों ने खुद ही फ़ोन करके बुलाया था कि शबनम को विदा कर दीजिए, अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और शबनम भी अपनी खुशी से अपने ससुराल गई है, अब जो है अब की जो कंडीशन है वो सही है, अब शबनम वहाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छे से, क्योंकि शबनम का फ़ोन भी आता है और ये लोग बात भी करते हैं। लेकिन शबनम के जो ससुराल वाले हैं वो लोग यूट्यूब पर अभी नहीं हैं, तो वो लोग शायद नहीं चाहते हैं कि वीडियो वगैरह शेयर करना, इसलिए उनकी जो वीडियो सब है वो सब नहीं शेयर हो रही हैं। लेकिन शबनम की जो शादी है वो अरेंज ही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि बिना माँ बाप के भाई भाभी कितना करेंगे। और रजनी भाभी भी लव मैरिज कर ली, इस वजह से शायद डर से उन लोगों ने बहुत कम ही उम्र में शबनम की शादी कर दी। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समय से शादी ब्याह हो जाए तो अच्छी चीज़ें हैं, और शबनम इस समय बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे सब लोग कि शबनम की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो शबनम की शादी अरेंज मैरिज है। दोस्तों आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को कमेंट पढ़ना में बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना उसको पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों के जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक और आपका एक कमेंट किसी की ज़िंदगी बना सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, जल्दी से नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ आएंगे।